हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं ऐसी कौन कौन सी हेल्दी हैबिट्स हमें इस लॉकडाउन में और लॉकडाउन के बाद में भी अपनानी चाहिए, जिन बातों पर अभी तक हमने कभी सीरियसली सोचा नहीं था। अभी उन बातों पर सोचने का और हमारे रूटीन में लाने का वक्त आ चुका है, ताकि सिर्फ कोरोना ही नहीं बल्कि कोरोना जैसे काफ़ी इन्फेक्शंस के अगेंस्ट हमारी इम्यूनिटी बनी रहे। मैं डॉक्टर रुजुता राजगुरु आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल पर, जहां मैं कमिटेड हूं महिलाओं के स्वास्थ्य से रिलेटेड हर एक सवाल का जवाब आप तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। उसमें हम देखने वाले हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमने खाने में अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों को पता है कि कौन कौन सी चीज़ें हेल्दी है और वो खानी चाहिए, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी कि हरी सब्जियां और सीजनल फ्रूट्स। हरी सब्जियों में हमें पालक, मेथी, पत्ता गोभी, फूल गोभी ये खाना चाहिए, फिर सैलेड खाना चाहिए, उसमें टमाटर, बीटरूट आदि ये बहुत सारी चीज़ें हमें खानी चाहिए, स्प्राउट्स खाने में होना चाहिए, फिर लहसुन अदरक, शहद, तुलसी ये थ्रोट इन्फेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है और ये सब चीज़ें इम्यूनिटी बूस्टअप करते हैं। अगर आपको कौन कौन सी खाने में चीज़ें इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं यानी कि इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स के बारे में अगर जानना है, तो उसके ऊपर हम अलग वीडियो बनाएंगे। आपको अगर वो इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। तो इंडियन फैमिलीज में काफ़ी तेल, तीखा मसाले खाते हैं, जैसे कि स्पाइसी फूड, ऑयली फूड और हाई शुगर डाइट। तो ये तीनों चीज़ें हमें इम्यूनिटी के हिसाब से अवॉइड करना चाहिए। फिर जो कुछ भी हम खाना खा रहे हैं वो सही वक्त पे खाना भी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि सुबह 8 से 9 के बीच में हमारा ब्रेकफास्ट होना चाहिए, फिर 12 से 1 के बीच में दोपहर का भोजन होना चाहिए, फिर 4 से 5 के बीच में हल्का सा ब्रेकफास्ट और रात में 8 से 9 के बीच में रात का भोजन होना चाहिए। और रात में सोने के पहले 3 घंटा या फिर कम से कम 2 घंटा पहले हमारा खाना, रात का खाना हो जाना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी खाना हम खा रहे हैं वो अच्छे से इजीली डाइजेस्ट हो पाए और उनमें से सब न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को अच्छे से एब्सॉर्ब हो और हमारी इम्यूनिटी बूस्टअप हो। फिर उसके बाद में हमें एक्सरसाइज और योगा रूटीनली करना चाहिए। एक्सरसाइजेस में हमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस में जब भी हम वो एक्सरसाइज करते हैं तो जो कोई भी जॉइंट हम मूव कर रहे हैं वो जॉइंट को जो मसल्स अटैच हैं उन मसल्स की वो एक्सरसाइज होनी चाहिए, ताकि आपकी हर एक बॉडी पार्ट फ्लेक्सिबल रहे और आप एनर्जेटिक महसूस करो। फिर डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस में हमें 5 मेन या मुख्य प्राणायाम जो करना चाहिए वो इस प्रकार है: भस्त्रिका आसन, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी और ओमकार ध्यान। ये 5 डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस आपको कहीं पे भी गूगल या यूट्यूब पे मिल जाएंगे। मेनली स्वामी रामदेव जी के चैनल पे आपको ये जो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस काफ़ी इजी और सही तरीके से एक्सप्लेन की है, आपको वो देख के आप रूटीनली वो कर सकते हो। सो जब भी आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हो, लंबी सांस लेते हो, तो जो कुछ भी हवा में से ऑक्सीजन होता है वो आपके लंग के बेस तक जाता है और वहाँ से ब्लड में, और ब्लड में से हर एक बॉडी सेल को अच्छी तरीके से ऑक्सीजन पहुँचता है। सो अच्छी तरीके से ऑक्सीजन पहुँचने की वजह से हर एक सेल अच्छे से फंक्शन कर पाता है और आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप रखता है। अगर आपको वक्त है तो आपको 45 to 60 मिनट तक एक्सरसाइज करना चाहिए। अगर आपको वक्त नहीं है तो कम से कम आपने दिन में कभी भी 20 मिनट्स तो भी आपके हेल्थ के लिए, आपके इम्यूनिटी के लिए देना चाहिए। फिर तीसरी चीज़ है रेस्ट या फिर आराम या फिर पर्याप्त नींद लेना। रात में 7 से 8 घंटे की या कम से कम 6 घंटे की नींद हमें लेना चाहिए और दिन में 1 से 2 घंटों की नींद हमें लेना चाहिए, क्योंकि इतना टाइम हमें बॉडी रिकवर होने के लिए लगता ही है, क्योंकि दिन भर में हम काफ़ी काम करते हैं। अभी तो लॉकडाउन है तो लोगों के पास काफ़ी वक्त है, तो काफ़ी लोग रात में देर रात तक टीवी देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, व्हाट्सएप, टिकटॉक, फेसबुक पे काफ़ी एक्टिव है। नो डाउट अगर ये चीज़ें आपको अच्छी लगती है तो इसके लिए आपको वक्त देना चाहिए, पर एक शेड्यूल होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए या फिर टाइम लिमिट होना चाहिए जो इन सब वक्त में आप कर सकते हो, क्योंकि इस लॉकडाउन में या फिर COVID-19 के इन्फेक्शन जो फिलहाल बाहर शुरू है उसमें फिलहाल ऐसी कोई भी हरकत हमें नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी डाउन और इन्फेक्शन के चांसेस बढ़े। फिर चौथी चीज जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए वो है हमें भरपूर पानी पीना चाहिए। मैंने देखा बहुत से लोग बहुत कम पानी पीते हैं। हमें दिन भर में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए
और वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे बॉडी फंक्शंस में पानी की ज़रूरत होती है, जैसे कि बॉडी टेम्परेचर मेंटेन या फिर रेगुलेट करना, सलाइवा या फिर थूक या फिर म्यूकस फॉर्मेशन के लिए पानी की ज़रूरत होती है, बॉडी में से टॉक्सिन्स या फिर बॉडी वेस्ट निकालने के लिए पर्याप्त पानी की ज़रूरत होती है, हेल्दी स्किन हेल्दी हार्ट के लिए पानी की ज़रूरत होती है, फिर जॉइंट लुब्रिकेशन के लिए पानी की ज़रूरत होती है जिसकी वजह से आपके जॉइंट अच्छे से जॉइंट पेन कम रहे और अर्थराइटिस जैसे तकलीफ से भी आप बचे रहे, फिर कैंसर की रिस्क कम होती है और पानी अच्छे से पीने की वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छे से वर्क करती है, यानी कि कब्ज या फिर कंस्टिपेशन की शिकायत भी कम होती है। सो इन शॉर्ट, अगर हमारे शरीर में पानी की मात्रा सही है तो कोई भी इन्फेक्शन का सामना हमारा शरीर अच्छे से कर पाएगा और हमारी इम्यूनिटी बूस्टअप होगी। फिर उसके बाद में विटामिन डी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इम्यूनिटी बढ़ाने में। जब भी हमें कोई इन्फेक्शन होता है तो हमारे बॉडी के सोल्जर यानी कि सिपाही, जिसे WBC या फिर वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, इन WBCs का बहुत अहम रोल होता है इन कीटाणुओं को खत्म करने में। सो इस WBC की एक्टिविटी में विटामिन डी उन्हें काफ़ी हद तक हेल्प करता है। सो कई पेशेंट्स में देखा गया है कि जिन लोगों में विटामिन डी डेफिशिएंसी है उन लोगों में अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस बहुत कॉमनली देखे जाते हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंजा या फिर एलर्जिक अस्थमा। तो फिर आप कहोगे कि मैडम विटामिन डी मिलता कहाँ से है, तो नेचुरली हमें विटामिन डी सूरज के किरणों से मिलता है, पर ये कहना गलत होगा क्योंकि डायरेक्टली हमें विटामिन डी सूरज के किरणों से नहीं मिलता है, बल्कि जब भी हम धूप में बैठते हैं तो हमारी बॉडी या फिर बॉडी की स्किन में एक प्रकार का कोलेस्ट्रॉल होता है, जो कोलेस्ट्रॉल सूरज के किरणों में से UVB रेडिएशन के साथ में एक कंपाउंड बनाता है और वो कंपाउंड से हमें विटामिन डी जनरेट होता है, और इसीलिए हमें सुबह के धूप में या फिर अर्ली मॉर्निंग धूप में बैठना चाहिए ताकि हमारी बॉडी नेचुरली विटामिन डी बना सके। अगर ये आप नहीं कर सकते हो तो विद डॉक्टर्स एडवाइस आप विटामिन डी सप्लीमेंट्स भी ले सकते हो। फिर करंट सिचुएशन यानी कि COVID-19 से रिलेटेड कुछ प्रिकॉशंस हमें लेने ही लेने चाहिए। कुछ लोग ये सब प्रिकॉशंस फॉलो कर रहे हैं पर कुछ लोग अभी भी ये चीज़ें सीरियसली नहीं ले पा रहे हैं, जैसे कि बाहर से आने के बाद हमें प्रॉपर हैंड वॉश करना चाहिए। फिर कई लोगों को आदत होती है कि बाहर से सीधा घर में जूते चप्पल पहन के ही आते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी स्कूल से आने के बाद दिन पूरे घर में हॉल में वैसे किचन में वैसे ही घूमते हैं, तो ये आदत हमें रोकना चाहिए, हमें शू या फिर चप्पल शू स्टैंड या रैक पर ही निकालना चाहिए। फिर उसके बाद में हमें रूल ऑफ थ्री फॉलो करना चाहिए, यानी कि कम से कम दिन में 3 बार हमें हॉट ड्रिंक जैसे कि चाय कॉफ़ी या गर्म पानी पीना चाहिए, उसके साथ ही में गर्म पानी और नमक के गरारे या फिर गार्गल हमें दिन भर में कम से कम 3 बार करना चाहिए। फिर उसके बाद में बाहर जाते वक्त हमें फेस मास्क का यूज़ करना चाहिए और बार बार मुंह नाक या आँख को टच करना अवॉइड करना चाहिए। साथ ही में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन हमें करना चाहिए। जब भी हम मार्केट में जाते हैं तो लोगों से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखना चाहिए, फिर वो आपका कितना ही अच्छा दोस्त क्यों ना हो। फिर आखिरी चीज़ जो मैं बताने जा रही हूँ वो ये है कि ऐसे सिचुएशन में हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी आप फिलहाल डील कर रहे हो वो सिर्फ आप ही नहीं बल्कि पूरा देश बल्कि पूरी दुनिया इस सिचुएशन से गुजर रही है। ये आपके ऊपर निर्भर है कि ये सिचुएशन को आप निगेटिवली लेते हो या पॉजिटिव अप्रोच रख के आपकी प्रोडक्टिविटी को आप बढ़ाते हो। ये सब आदतें जो हमें छोटी छोटी सी बातें लग रही है, जैसे कि स्पाइसी या ऑयली फूड अवॉइड करना, सही वक्त पे खाना खाना, एक्सरसाइज और योगा करना, विटामिन सी या विटामिन डी का सेवन करना या पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करना, और जो कुछ भी जनरल प्रिकॉशंस हम फिलहाल ले रहे हैं उसे हम सब अगर फॉलो करते हैं तो सिर्फ COVID-19 ही नहीं बल्कि और कई बीमारियों के अगेंस्ट हमारी इम्यूनिटी बूस्टअप करके हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई स्पेसिफिक हेल्थ रिलेटेड टॉपिक के ऊपर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, साथ ही में बेल बटन दबाना न भूले ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।